समर टाइम में मेकअप करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतनी गर्मी होती है, ऊपर से धूप, ऊपर से स्वेट और वो चिपचिप। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रेडिएंट अफेयर। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप मेरे चैनल में आते हो, उसे देखते हो, पसंद करते हो, कमेंट करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाना। और आप में से जब भी मुझसे कोई कहता है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है। तो आज मैं ऐसे ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ जिसकी ख्वाहिश की थी स्नेहा ने, जो कि मेरी रेगुलर व्यूअर है, जो मुझे रेगुलर देखती है और एक हर एक वीडियो में आपको उसका कमेंट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच स्नेहा। आज मैं उन्हीं एक डिमांड पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि समर में मेकअप कैसे करें। तो मैं अपना समर सीज़न में मेकअप कैसे करती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ये जो मेकअप लुक किया है, जो आप अभी देख रहे हो मेरे फेस पे, वो मैंने कैसे किया है वो मैं आज आपको दिखाती हूँ, जो कि बहुत ईजी है। मैं तो इसे डेली 5 to 7 minutes में कर लेती हूँ। आपको वीडियो में थोड़ा लंबा लगेगा क्योंकि मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये बहुत क्विकली हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस ईजी मेकअप लुक को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो आप मेक श्योर करें कि जो आपके हाथ है वो एकदम क्लीन हो, क्योंकि आप अपना मेकअप करने वाले हो तो ज़रूरी है कि आपके हाथ एकदम साफ़ सुथरे हो, क्योंकि इसकी जो भी डर्ट है वो आपके फेस के ऊपर आ सकती है और आपको ब्रेकआउट्स होने के चांसेस हो सकते हैं। ये भी एक रीज़न होता है पिंपल्स आने का। तो मेक श्योर करें कि आपके हाथ एकदम नीट और क्लीन रहे। पहले मैं अपने फेस के ऊपर लगाने वाली हूँ एक अच्छा सा मॉइस्चर। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मैंने नायका से मंगाया था, ऑलमोस्ट एक साल हो गया है मुझे यूज़ करते करते। तो दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी नाइस। तो इसमें से मैं इतना लूंगी, ये जेल कंसिस्टेंसी का है, ये अपने फेस पे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आप जब इसको लगाते हो तो फेस पे ठंडक फील होती है, बिकॉज ये जेल फॉर्म में है तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है और ये अच्छा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। और करें कि आपका जो मॉइस्चराइजर है वो आपके फेस में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। और मैं यूज़ कर रही हूँ अच्छा सा सनस्क्रीन, कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ स्किन का AM to PM सनस्क्रीन। ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, वाटर रेजिस्टेंट है और SPF 50 है। तो इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। ये क्रीमी फॉर्म में है। सर मेरा पर्सनल फेवरेट अगर कोई सनस्क्रीन है तो वो है एक लोटस का, लोटस जेल वाला एंड न्यूट्रोजिना। और उसके बाद मुझे अभी ये भी बहुत अच्छा लगने लग गया है, तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर इसलिए क्योंकि मेरी थोड़ी फाइन लाइंस है वो हाइड हो जाती है और थोड़ा पोर्स अगर है तो वो भी हाइड हो जाते हैं, और अच्छा एक ब्लैंक सा अच्छा कैनवास मिल जाता है मुझे बाकी के स्टफ लगाने के लिए, इसलिए मैं प्राइमर लगा रही हूँ। और प्राइमर से एक और चीज़ है कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, अगर आप सुबह लगा रहे हो तो वो शाम तक रहता है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। और मुझे जहाँ जहाँ इश्यूज है लाइक दिस एरिया, आंखों के नीचे फाइन लाइंस, और मैं आंखों के ऊपर भी लगाऊंगी सो दैट जो मेरा मेकअप बेस है और जो मेरा आई शेडो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब से मैं अच्छे से फिंगर्स की मदद से फेस पे स्प्रेड कर लूंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट प्राइमर है और अच्छे से ईजिली स्प्रेड हो जाता है आपके फेस पे। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और बजट फ्रेंडली है। लैक्मे का ये वाला प्राइमर ज़रूर ट्राई करना, 500 रुपीज़ का कुछ आता है, बहुत ही अच्छा है और आपके फेस को एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। प्राइमर के बाद बारी आती है मेरे फाउंडेशन की। तो मैं कंसीलर जनरली अवॉइड कर देती हूँ डेली बेसिस पे, जब मैं कोई हैवी मेकअप या पार्टी में जा रही हूँ तभी मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ, बट डेली बेसिस पे मैं ये वाला फाउंडेशन या फिर बॉडी शॉप का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। आज यूज़ कर रही हूँ ये वाला, ये मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15, इसमें भी SPF है और ये जो शेड है वो है NC 37। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, बहुत भर भर के यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा यूज़ करती हूँ। तो ये मैक का जो फाउंडेशन है अच्छा लगता है और ये ऑयली स्किन के लिए है। आप इसको चाहो तो फिंगर की मदद से या फिर आप इसको अपने ब्रश की मदद से लगा सकते हैं। मैं ऑन अ डेली बेसिस
फिंगर की मदद से लगाती हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये ब्रश यूज करूँ, मैंने यूज नहीं किया है और मुझे ट्राई करना है, तो ये फाउंडेशन ब्रश की मदद से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। ये बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन लगता है मुझे। अगर आप इसको हैवी करना चाहते हो तो आप इसको बिल्डअप कर सकते हो, बट मैं इसको बहुत ही लाइट रखना पसंद करती हूँ ऑन डेली बेसिस। ये मेरे पूरे डार्क सर्कल्स और जो भी डार्क स्पॉट्स हैं उन सबको ब्यूटीफुली हाइड कर देता है। शेयर और हाई कवरेज का मिक्सचर है, तो मुझे ये फाउंडेशन पसंद आता है और मुझे यूज़ करते करते काफ़ी साल भी हो गए हैं। अब फाउंडेशन लग गया तो इसे सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का प्रेस्ड पाउडर और मैं इसे अपने पाउडर ब्रश में लेकर कुछ इस तरीके से एक्सेसिव टैप ऑन करके। अब हम मूव ऑन करते हैं आईब्रोज की तरफ। तो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये आईब्रो पेंसिल जो कि लोकल मार्केट से है और ये मैंने ताइपे से लिया था। तो ये ब्राउन कलर में है, यहाँ पे ऐसे काफ़ी पेंसिल्स मिलती है आईब्रो पेंसिल्स जो कि बहुत अच्छी होती है और बहुत बजट में होती है। और उसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगी आईब्रो ब्रश। आप देखोगे कि मैं सिर्फ फिल कर रही हूँ, एक हल्के हाथों से मुझे बस स्ट्रोक्स ऐसे देना है, यहाँ थोड़ा हल्का रखना है आउटर में यहाँ पे, और फिर उसके बाद अंदर साइड में मैं थोड़ा उसको हैवी कर देती हूँ। मुझे ब्लैक कलर के आईब्रो पेंसिल्स नहीं पसंद आते क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल नहीं लगते हैं और ये काफ़ी नेचुरल लगते हैं। ब्रश की मदद से इसको सेट करूँगी। अब आप देखिए आईब्रोज करना कितना इम्पोर्टेंट है और कितना डिफरेंस आता है। आप ये वाली मेरी आईब्रो चेक कर सकते हो और ये वाली ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, और ये वाली जो है ये काफ़ी ग्रूम्ड और अच्छी लग रही है और ये वाली थोड़ी, तो इसे भी हम ठीक कर लेते हैं। तो अब हो गई है अब हमारी आईब्रोज डन। अब थोड़ा आइस के ऊपर देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। यूजुअली मैं समर में आइस को लेकर थोड़ी सी थोड़ा कम रखती हूँ। ऑलरेडी बाहर गर्मी होती है और ज़्यादा चपक मेकअप से और थोड़ा सा गर्मी फील होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं जहाँ तक है मैं कोई भी ब्लशर उठा के स्लाइट सा ब्रशर लेकर यूज़ कर लेती हूँ अपने आईज के लिए आई शैडो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश सिटी कलर का ब्लशर। ये ब्लश और ब्रॉन्ज दोनों का काम करता है, तो मैं क्या करती हूँ इसका पूरा ऐसे ब्रश में लेके अपने आईज के ऊपर करती हूँ। तो मैं क्या करूँगी इसको पूरा ऐसा स्वर्ल करके पूरे कलर्स आ जाए इसका एक्सेसिव पार्ट निकाल के। कुछ इस तरीके से लगा लेती हूँ, आप देख रहे हो कितना नेचुरल लुक आ रहा है, यही मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो ऑन डेली बेसिस मैं ऐसे ही करती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का मेकअप है और नहीं भी। अब आई शैडो हो गया, अब हम लगाएंगे काजल और मस्कारा। मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है और मुझे रिसेंटली बहुत ही अच्छा काजल मिला है जो कि है शुगर का। मैंने इसका लाइनर यूज़ किया है जो कि बहुत बेहतरीन होता है, बट मैंने कभी उसका काजल ट्राई नहीं किया था, तो मैं इसका काजल लेकर आई, मुझे एक के साथ एक फ्री मिला और ये इतना अच्छा काजल है, बहुत जेट ब्लैक है और लॉन्ग लास्टिंग है। इसे मैं एज अ लाइनर और काजल दोनों तरह यूज़ करती हूँ। वॉटर लाइन में भी लगाती हूँ इसको कुछ ऐसे पकड़ के, इससे आपकी जो आईज है वो बहुत अच्छी दिखती है। और अब मैं इसे लोअर लैश लाइन में भी लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो एक काजल से आपका पूरा जो फेस का लुक है वो चेंज हो सकता है। आप यहाँ देखिए मैंने लाइनर लगाया है और काजल लगाया है और यहाँ नहीं लगाया है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली आंखें ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब हो गया लाइनर, अब हम लगाएंगे मैस्कारा और मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक का हाई इम्पैक्ट लैश एलिवेटिंग मैस्कारा। ये बहुत ही ब्यूटिफुल मैस्कारा है, आपकी आई लैशेस को इंस्टेंटली एकदम लॉन्ग बना देता है, एलिवेट कर देता है। तो मुझे इस की खास बात यही लगी, ये महंगा है बट अच्छा है। अब आती है कॉन्टोरिंग की बारी। तो मैं कॉन्टोरिंग ऐसा मेजर पूरे फेस पे नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी नोज को कॉन्टोर करती हूँ और थोड़ा सा जॉलाइन को। तो मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रिवोल्यूशन का
आइकॉनिक ब्लश ब्रॉन्जर एंड ब्राइटन, मैं ये वाला यूज़ करूँगी। तो इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड जो कि कॉन्टोरिंग के लिए है, ब्रॉन्जिंग के लिए है। तो मैं अपनी नोज को ब्लशर की बारी आती है, तो ब्लशर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मुझे ये पसंद है लॉरियल पैरिस डचेस रोज, और मैं इसे अपने ब्रश में कुछ इस तरीके से लेके पूरे शेड्स को ऐसे मिला के ब्लशर लगाती हूँ अपर चीक्स पे। कुछ इस टाइप से, और अब मैं थोड़ा सा हाइलाइटर लगाती हूँ। हाइलाइटर में भी आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, बट इसमें जो आता है मेकअप रेवोल्यूशन में, मैं मिट वाला हाइलाइटर ले लेती हूँ जो कि थोड़ा सा शैम्पेन शेड। मुझ पे गोल्ड टच का या गोल्ड टोन का हाइलाइटर इतना सूट नहीं करता जितना सिल्वर या शैम्पेन शेड का करता है। मेरा ये वाला जो शेड है शैम्पेनी शेड या सिल्वर या वाइट टोन वाले हाइलाइटर्स मुझ पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैं इसको लगाती हूँ अपने नोज ब्रिज ऑफ माय नोज अपर चीक्स। और थोड़ा सा क्यूपिड बो पे। और लिपस्टिक में भी जो मेरे को बहुत ज़्यादा शेड पसंद आ रहा है ऑन डेली बेसिस इज दिस, ये है लॉरियल पैरिस का रूज सिग्नेचर का लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक। इसका मैंने फुल रिव्यू और स्वाचेस किए हैं, तो उसमें से आई लीट 129 शेड इज सो गुड, इट इज परफेक्ट फॉर डेली वेयर। बहुत ही अच्छा ब्राउन न्यूड शेड है। आपने देखा कि ये मेकअप लुक काफी इजी है, आप इसे अपने डेली ऑफिस में या फिर कॉलेज या बाहर जा रहे हो तो इसको कर सकते हो। मैं तो इसे हर जगह करके जाती हूँ, और अगर आप आउटिंग पे हैं, लंच पे जा रहे हैं या फिल्म देखने जा रहे हैं, आराम से आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो। और ये वेरेबल है डे टाइम नाइट टाइम दोनों टाइम के लिए, तो कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि बहुत गॉडी ऐसा कुछ काम नहीं किया है, बहुत ही सिंपल और नेचुरल रखने की कोशिश की है। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और आपको ये सर्कल दिख रहा है ना उस पर आप क्लिक करोगे तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे मेरे चैनल। और अभी इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको वीडियो नजर आ रही है उस पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये मजेदार वीडियो देखने मिल जाएगी, तो आप इसको देखिए। अब मैं आपको मिलूंगी एक अगले नए और मजेदार से वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड यस बी बोल्ड एंड बी ब्यूटीफुल। बाय बाय।